हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को जेई मेन 2020 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, फंक्शन चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन देखो फंक्शन का है और इसमें कुछ एपी का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का। और अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में आप लोग जानते ही हो, अगर ए बी सी तीन नंबर जो है अगर एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है ना, या b बराबर a प्लस सी बाई 2 होता है, दोनों एक ही बात है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, f is such that r to r, b such that for all x belong to real number, this, this and this are in ap, then the minimum value of fx, देखा जाए तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया है। और मिनिमम और मैक्सिमम जब हम लोग को निकालना होता है तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का भी यूज करते हैं, पर यहाँ भी यूज नहीं हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, मगर यदि कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये तीनों एपी में दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, दिस प्लस दिस बाई 2, ठीक है, तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स और प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस, और ये 3 पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमें एपी वाले रूल से अगर तीन नंबर्स एपी में हैं तो बीच वाला अगल बगल का एवरेज होता है, इस नियम से हमने एफ एक्स को दिस प्लस दिस बाई 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको देखो और इसको देखो और फिर इसको और इसको देखो, इन दोनों में जो संबंध है आपस में वो रेसिप्रोकल का कुछ कुछ है ना। इसमें तो एग्जैक्टली 3 पावर एक्स और ये 1 अपॉन 3 पावर एक्स है, इसमें तो चलो समझ में आ रहा है क्योंकि अर्थमैटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। और इसमें देखो पहले वाले में 2 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 2 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये अगर 2 कॉमन ले लोगे तो इसमें फिर से वही रेसिप्रोकल का रूल आ जा रहा है, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ, देखो इसमें 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर आर इक्वल टू अंडर रूट 2 टू द पावर 1 प्लस एक्स इंटू 2 की पावर 1 माइनस एक्स लिख सकते हो। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर रूल कौन सा यूज किया, हमने यहाँ पर रूल यूज किया अर्थमैटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, समझ में आ रही बात। तो दिस प्लस दिस, मैं इन इसमें से एक पार्ट ये ले रहा हूँ और दूसरा पार्ट में ये लूंगा, तो मैं इस पर एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, अर्थमैटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ऐसे ही इस पर भी एक ऑपरेशन करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दिस प्लस दिस बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, ठीक है। और ये वाला रूल, ये इसको और मैं क्लियर कर सकता हूँ, ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ए बी, अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो, ठीक है। तो यही रूल लगाया हमने यहाँ पर कि दिस प्लस दिस बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट दिस इंटू दिस, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 मतलब 4, देखो सही है, ये 4 आ गया डायरेक्टली, है ना, कैसे 2 टू द पावर, या पावर जो है एड अप हो जाएगी, तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स, 2 की पावर 1 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ग्रेटर इक्वल टू 2, ये समझ में आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 2, ठीक है, ऐसे। चलिए, तो एक तो ये समझ में आ गया कि ये जो है दिस डिवाइड बाई 2 किससे बड़ा होता है, ठीक है, एक तो बात ये हमारी क्लियर हो गई पहले वाले के लिए। अच्छा, अब दूसरे वाले के लिए देखो हम लोगों को क्या करना है। अब इसको 3 पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स, देखो 3 पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 पावर एक्स इंटू 3 पावर माइनस एक्स, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 3 की पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। हमें ये बात पता चल गई अर्थमैटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से, और ये बात पता चल गई अर्थमैटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से, तो क्यों ना इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे और आपका आ जाएगा ये ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, करस्पॉन्डिंग मतलब राइट राइट वाला जोड़ दोगे, लेफ्ट लेफ्ट वाला जोड़ दोगे, तो इन दोनों को जोड़ने से मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स और प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू राइट बाई 2 प्लस 1 3, ठीक है ये। और यही जो दिया हुआ है ये फंक्शन एफ एक्स है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 3, मतलब कहने का कि एफ एक्स की जो सबसे कम वैल्यू है वो 3 के बराबर है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें फंक्शन में
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यूज़ कर लिया गया था, है ना। अर्थमेटिक मीन गिनने के लिए ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ कर लिया गया था। और ये जो है मीन वाला कॉन्सेप्ट के जो है, अगर तीन नंबर आपस में एपी में है तो बीच वाला अगल बगल का एवरेज वैल्यू होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ पर वही एपी दिया हुआ है कि ये तीनों एपी में है। इससे एफएक्स आ गया, और एफएक्स आने के बाद फिर हमने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट लगा के आसानी से निकाल लिया कि एफएक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो जब कभी देखा करो ना कि कोई नंबर लिखा हुआ है और उसका जस्ट रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकल जैसा कुछ, मतलब एग्जैक्टली तुम लोग को देखो, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल ये नहीं था, पर टू कॉमन लेने के बाद रेसिप्रोकल बनता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर टू कॉमन ले लो तो ये क्या बचता, टू की पावर एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस एक्स, ये बचता ना भाई। अगर मैं इसमें टू कॉमन लेता हूँ तो वो आता। अब तुम ये देखो कि टू के बाद क्या आ रहा है, टू की पावर एक्स प्लस वन अपॉन टू टू द पावर एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब किसी नंबर का रेसिप्रोकल जब जुड़ा होता है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात हो जाती है, तो वहाँ पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से काम आ जाता है, बहुत जगह पर काम आया हुआ है। तो बड़ा कॉमन भी है ये सब चीज़ें कि अगर किसी का रेसिप्रोकल जुड़ा हुआ है तो आप अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की तरफ सोचेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।